सिंगरौली में कोरोना संक्रमण के चलते देश भर में कामकाज के साथ में बच्चों के स्कूल भी बंद हैं। उसी का उदाहरण को लेकर शिक्षक शरद पाणे ने निस्वार्थ भाव से एक अनूठा अभियान शुरू किया है, जहां उन्होंने अपनी बाइक में बोर्ड व लाउड स्पीकर लेकर गांव-गांव जाकर पढ़ाने का कार्य शुरू किया है। हालांकि उनकी इस पहल से बच्चों के अभिभावक बेहद ही खुश हैं। बच्चे भी शिक्षक शरद पांडे द्वारा पढ़ाए जाने को लेकर काफी उत्साहित थे। जिले के लोग उनकी इस तरह की अनोखी मिसाल पर जमकर सराहना भी कर रहे हैं। इतना ही नहीं बल्कि शिक्षक शरद पांडे ने बच्चों की पढ़ाई में उपयोग होने वाली आवश्यकताओं को भी अपने ही वेतन से पूर्ण कर रहे हैं। मेरी क्षमता काम करती है उतना करने का प्रयास करता हूँ। लॉकडाउन के कारण ये COVID-19 की भारी समस्या की वजह से बच्चों की पढ़ाई बहुत नुकसान हो रही थी। शुरू में ही मार्च में जब लॉकडाउन घोषित हुआ, परीक्षाएं नहीं हो पाई बच्चों की, तो सबसे पहले मैंने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया। विज्ञान चूँकि मेरा सब्जेक्ट है तो मैंने विज्ञान मित्र क्लब शाहपुर अपने विद्यालय के नाम से एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया और बच्चों की पढ़ाई निरंतर होती रहे इसके लिए प्रयास करता रहा। लेकिन व्हाट्सएप की अपनी सीमाएं हैं। व्हाट्सएप से भी मैंने बहुत सारे बच्चों के पास, क्योंकि व्हाट्सएप नहीं था तो मैंने अपने पुराने छात्रों की मदद ली। पुराने छात्र जो अब कहीं ना कहीं जॉब में हैं, उनके घर के आसपास जो बच्चे रहते हैं, मैंने उनको जोड़ने के लिए उनका उपयोग किया। फिर भी व्हाट्सएप की अपनी सीमाएं हैं। उनको देखते हुए जब सरकार ने ऐलान किया कि मोहल्ला कक्षाएं ली जा सकती हैं, मोहल्ला कक्षाओं में भी चीज़ों को समझाने के लिए बहुत दिक्कत हुआ करती थी कि हम कैसे अधिकतम समझ बना सकें अपने बच्चों की, तो इसके लिए विचार करता रहा। फिर एक बोर्ड ख़रीदा मैंने। बोर्ड को रखने के लिए दिक्कत होती थी लिखने के लिए। फिर मैंने एक स्टैंड लगवाया बोर्ड में, और चूंकि एक हमको दूरी रखनी मेंटेन करनी होती है इस समस्या के कारण, गाड़ी में स्टैंड लगाए होते हैं और व्हाट्सएप में भेजते हैं कैसे पढ़ाना है, सब समझाते हैं। और मोहल्ले में नहीं जाते, ग्राउंड में पढ़ाते हैं, हम लोग को बहुत समझ आता है। सर हमको बोर्ड से पढ़ाते हैं और अपने हमारे लिए स्टैंड लगाए और हमको स्पीकर से पढ़ाते हैं, और जहाँ आवाज़ हम लोग को दूर दूर तक सुनाई देती है। और सर हमारे साथ 2400 घंटा रात दिन पढ़ाई पढ़ाते हैं, और सर जो हमको नहीं बनता है वो भी बताते हैं। और मैंने पढ़ने के खातिर एक मोबाइल भी ख़रीदा, और सर हमारे मोबाइल में नेट रिचार्ज सब डलवाते हैं, और जो हमको नहीं बनता वो भी सर बताते हैं। और मोहल्ले ग्राउंड में सब बच्चों को इकट्ठा करवा के बुलाते हैं और अच्छी तरह से हमको पढ़ाते हैं। सिंगरौली से उपेंद्र दुबे की रिपोर्ट।